अभी मंथ बाई मंथ फिक्स डिपॉजिट रिटर्न कम होते जा रहे हैं, 5% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.5-6% है। तो मेरा आपसे सलाह ये लेनी है कि आई एम ए सीनियर सिटीजन, तो इस समय कुछ कम मार्केट बेटर हो रहा है, कुछ सिप के हिसाब से कुछ थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा करके अगले 3-4 महीने में एफडी से म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट किया जाए। नहीं, आप जब डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो आपका प्राइमरी एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये पैसा कभी कम नहीं होगा, और म्यूचुअल फंड में अगर आप और आप ये एक खास ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हैं, अगर ये आपका एक्सपेक्टेशन है तो आपको किसी भी तरह के इक्विटी या बाजार से जुड़े हुए निवेश में नहीं करना चाहिए। आपके लिए बहुत लिमिटेड विकल्प है कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको थोड़ा पैसा रिटर्न मिल सकता है और वहां गिरावट की संभावना नहीं होगी। बाजार का भरोसा नहीं किया जा सकता है, आपने देखा ही होगा आप क्योंकि कई सालों से निवेश कर रहे हैं कि बाजार में बदलाव तब आता है जब हम उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं। तो अभी बाजार में बड़ी चिंता बनी हुई है कि आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब होने की उम्मीद है और बाजार भागा चला जा रहा है। बाजार करीब करीब जितनी गिरावट मार्च में अचानक हुई थी वो करीब करीब रिकवरी के दौर में, वो लोग निवेशकों का अधिकतर नुकसान खत्म हो चुका है, बाजार वापस उसी स्तर पे आ गया है। बाजार शॉर्ट टर्म में कैसे चढ़ेगा कैसे बढ़ेगा या गिरेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और बाजार बहुत रफ्तार से बदलता है अपनी जरूरत के हिसाब से। मुझे लगता है कि आपका डिपॉजिट का पैसा है अगर तो उसमें नहीं लगाना चाहिए। अगर लंबे समय का पैसा है, उतार चढ़ाव से परिचित है, आप उतार चढ़ाव से आपको दिक्कत नहीं होगी, जरूर एसआईपी कीजिए, पर ध्यान रहे कि वो 5 साल में आपको ये बहुत उतार चढ़ाव के लिए आप तैयार हैं और 5 साल तक उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी।